हेलो, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आज हम बनाएंगे मैगी। ये देखिए, हमने प्याज को काट लिया है। हमने 3 प्याज ली थी और 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च और 1 टुकड़ा अदरक। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। ये है 2 पैकेट मैगी। कढ़ाई में जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम प्याज डाल के अच्छे से भून लेंगे। प्याज भूनने के बाद हम डालेंगे हरी मिर्च। आपको जितना तीखा पसंद हो आप डाल सकते हैं। हमने 2 ही लिया है। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, पर थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो जाए। अब हम डालेंगे टमाटर। ये हम टमाटर काट के डाल देंगे। अब थोड़ी देर तक इसे चलाएंगे। चलाने के बाद हम डाल देंगे नमक। नमक डालने के बाद चलाएंगे। उसके बाद इसे हम मिक्सर में डालकर पीस लेंगे। ये हमने ऊपर से अदरक डाल दिया है। अब इसे हम पीस लेते हैं। ये महीन सा पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम फिर से उसी कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल जब तक गर्म होता है तब तक हम मैगी को पैकेट से निकाल लेते हैं। मैगी को 2 भाग में तोड़ लेंगे, ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे। अब उसी तेल में डालेंगे ज़ीरा और जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो हम इसमें डालकर पकाएंगे थोड़ी देर तक। ये देखिए, अब हम इस मसाले डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और जो हमने मसाला निकाला था वो डाल देंगे, मैगी मसाला, और थोड़ा सा पानी डालकर इसे चलाएंगे। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी डालकर हम थोड़ी देर तक चलाएंगे और बॉयल होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, हमने एक तरफ चाय भी चढ़ा दी थी। चाय में दूध डाल देंगे और अदरक हम कूट लेंगे। ये देखिए, बॉयल हो गया है। अब हम डाल देंगे इसमें मैगी। मैगी डालकर अच्छे से चला देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, जो हमने अदरक कूटी थी हम डाल देते हैं। अब डालेंगे चाय की पत्ती और चीनी। आपको जितना मीठा पसंद हो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं चाय में चीनी। ये देखिए, हमारी मैगी का कलर कितना अच्छा आया है। अभी लॉकडाउन चल रहा था इसलिए हमें सब्जियां मिली नहीं, नहीं तो आप हरी मटर, गाजर और शिमला मिर्च डाल सकते हैं। ये देखिए, हमारी चाय बन के रेडी है और एक कटोरे में हम मैगी निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमारा नाश्ता तैयार है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए
और अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।